नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मानिक और स्वागत है आपका अभी के चैनल मनी मंत्रा में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्टइंडीज के सेकंड ओडीआई के बारे में। तो सबसे पहले अगर पिच कंडीशंस की बात करें तो ये जो मैच है वो ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। एवरेज जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो 250 के आसपास का है और सेकेंड इनिंग्स का स्कोर है 215 के आसपास का। अगर टीम न्यूज़ की बात करें तो इंग्लैंड की ओर से कोई बड़ा चेंज होने की संभावना नहीं है और वेस्टइंडीज की टीम जो है वो शायद बिशू की जगह अल्ज़ारी जोसेफ को खिला सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको एक्सपेक्टेड 11 गेम प्लान और पूरा प्रीव्यू पढ़ना हो तो आप सीधे हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको मैं दोस्तों एक चीज़ पहले बता दूं कि ये जो टीम है, ये जो खिलाड़ी मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखे हैं, सेम टू सेम खिलाड़ी मैंने लास्ट मैच में भी आपको सेलेक्ट करने को बोला था। मैंने वेबसाइट पर ही उसकी टीम अपलोड की थी, वीडियो मैंने नहीं बनाई थी किसी कारणवश। तो पिछले मैच में काफ़ी अच्छे हमारे सभी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया था, तो अच्छी खासी विनिंग्स हो गई होगी जिन लोगों ने उस मैच में हमें फॉलो किया था। तो इसलिए मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि सेम टू सेम फिर से इस मैच में भी ऐसा ही कुछ हो। तो इसलिए मैंने ये जो टीम है वो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि किस तरह हमने फिर से टीम बनानी है। यहाँ पे आप देखिए कि विकेट कीपर में मैंने रखा है शाई होप को, उसके बाद 5 बल्लेबाजों में जॉय रूट, जसन मोहम्मद, क्रिस गेल, एलेक्स हेल्स और जोनी बैरिस्टो। 2 ऑलराउंडर में मैंने रखा है होल्डर और बेन स्टोक्स को, और 3 गेंदबाजों में प्लंकेट, आदिल रशीद और कैसरिक विलियम्स को। तो कप्तान के लिए मैंने बैरिस्टो को रखा है क्योंकि बैरिस्टो ओपन करेंगे, और वाइस कप्तान के लिए थोड़ा सा मैंने रिस्की लेकर गेल को रखा है। मैंने लास्ट मैच में भी गेल को टीम में रखने को बोला था, रीज़न ये है कि गेल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ये मैच वैसे भी वेस्टइंडीज के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। एविन लुइस को मैं टीम में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ओडीआई में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर आप उनका ओडीआई रिकॉर्ड चेक करके देखोगे तो वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं ओडीआई में। तो लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो आप जैसन मोहम्मद की जगह एवन लुइस को रख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप जैसन मोहम्मद की जगह रोमन पोवल को भी टीम में रख सकते हो। तो ये देख लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगता है। इसके अलावा अगर आप कोई और चेंज करना चाहते हो या थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो आप कैसरिक विलियम की जगह अल्ज़ारी जोसेफ को रख लीजिए। अल्ज़ारी जोसेफ का इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो जनरली अच्छा रहता है। इसके अलावा कप्तान के लिए आपको मैं एक और ऑप्शन बता देता हूँ, आप एलेक्स हेल्स को भी कप्तान बना सकते हो। एलेक्स हेल्स का भी रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के खिलाफ ठीक ठाक है। इससे पहले भी जो सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ की, तो एलेक्स हेल्स ने लास्ट मैच में आकर सेंचुरी लगाई थी। तो एलेक्स हेल्स अच्छा खेलते हैं वेस्टइंडीज़ के खिलाफ, तो आप उनको भी कप्तान बना सकते हो। तो एक और कप्तान का ऑप्शन जो जनरली काफ़ी लोगों ने रखा होगा वो होगा जॉय रूट, तो आपका कॉमन ऑप्शन हो जाएगा। तो वेस्टइंडीज़ की टीम से गेल के अलावा आप चाहो तो आप होल्डर को वाइस कप्तान बना सकते हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की टीम, होप कि आपको अच्छी लगी हो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है इस मैच को लेकर तो आप बेझिझक वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है दोनों टीमों की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पे या किसी भी तरह से, तो मैं वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा मैच से पहले। तो आप मैच से 1-2 घंटा पहले एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, कोई अगर अपडेट होगी तो वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मुझे सुपर एट की ओर से एक और विड्रॉ आ चुका है जो कि है 2150 रुपये का, 2140 रुपये का। तो वो भी मैं जल्दी ही आपको दिखा दूंगा अपने बैंक के स्टेटमेंट में। अगर अभी तक आपने सुपर एट को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, मुझे 3रा विड्रॉ सुपर एट से मिल गया है लगातार, तो अच्छा खासा वो वेबसाइट मुझे पे कर रही है। तो उसकी वीडियो का लिंक और साथ ही साथ मैं अपना रेफर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या कमेंट के ऊपर पिन कर दूंगा। अगर अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। तो अभी के लिए दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मैचों के प्रीव्यूज़ और ड्रीम इलेवन टीम्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो अभी के लिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूँगी दोस्तों, सेम टू सेम इस टीम के साथ मत जाइएगा, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जैसा कि मैंने आपको बताया है, थोड़े सजेशंस दिए हैं उसके मुताबिक थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पे दोबारा आइएगा।